जनवरी का दिन भारत देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि जनवरी के अंदर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होने जा रही। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है। हर देश के अंदर भारतवासी अब लगातार जो है अपने घरों के अंदर भगवान राम की मूर्ति के साथ में दीपक जलाकर एक दूसरे दिवाली मनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। घर घर बांटे जा रहे हैं अक्षत। लोगों में निवेदन किया जा रहा है कि अपने घर में पूजा के स्थान पर भगवान राम की तस्वीर रखें, घर घर दीपक जलाएं और रंगोली बनाकर 550 साल बाद में होने वाले इस महान त्यौहार का महामहोत्सव को विराट स्वरूप प्रदान करें। इंद्रयान की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का लिए कृपया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अभी 22 तारीख को कोई अयोध्या ना जाए जैसा प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है। इसके बाद सभी लोग अयोध्या पहुंचे और भगवान राम के दर्शन करें। क्या कार्यक्रम चल रहा है पंडित जी? ये हमारे भगवान राम की 550 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान 550 वर्ष बाद पुनः अपने जन्म स्थल पर विराजमान होने जा रहे हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को भी जाना है और उसी के उपलक्ष में ये आमंत्रण निमंत्रण कार्ड बांटे जा रहे हैं कि 22 तारीख के बाद यानी जनवरी फरवरी के बाद आपको अयोध्या आमंत्रित किया जाता है और आप लोग अयोध्या आके भगवान के दर्शन करें और 22 तारीख को प्रत्येक घर में दीपक जलाकर लाइटिंग करके रंगोली सजाकर और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाए। ऐसा सब लोगों से निवेदन है सारे हिंदुओं से कि वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा दिवस को हर्षोल्लास से मना के दिवाली जैसी आयोजन करके मनाया जाए। जय श्री राम। पूरा रायसेन में बांट रहे हैं आपके कुछ जगह भी बांट रहे हैं? पूरे रायसेन गांव आस पास के सारे गांव, सारे गांव भारत के प्रत्येक ग्राम में, भारत के प्रत्येक ग्राम प्रत्येक नगर में ये अक्षत्र भगवान के पूजित अक्षत्र जो बांटे जा रहे हैं। इन अक्षत्रों से निवेदन ये कि अपने अपने घर में पूजा स्थल पर अक्षत्रों को रखें और भगवान का जो चित्र है वो भी अपने पूजा स्थल पर रखें और इसकी नित्य पूजा जैसे अपने भगवान के घर में पूजा होती है इन अक्षत्रों की इस फोटो की पूजा प्रतिदिन की जाए।